आमतौर पर हम क्रिएटिव यानी रचनात्मक व्यक्ति को इंस्पायर्ड यानी प्रेरित व्यक्ति कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमें उसे एस्पायर्ड यानी आकांक्षी व्यक्ति कहना चाहिए। प्रेरणा का मतलब है कुछ अंदर लेना। जब आप सांस लेते हैं तो वह इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वह एस्पायरेशन है। इंस्पिरेशन रिसीव करना है सांस लेना, और एस्पायरेशन है उस क्रिएटिविटी को बांटना सांस छोड़ने की तरह। अब तक हमें कहा गया है कि प्रेरणा अच्छी है, इंस्पिरेशन अच्छी है, तुम दूसरे का अनुसरण करते रहते हो, तुम जीसस से प्रेरित होते हो फिर तुम एक ईसाई बन जाते हो, तुम बुद्ध से प्रेरित होते हो तब तुम एक बौद्ध बन जाते हो। कुछ नकली। एक बुद्ध सुंदर है, एक बौद्ध नहीं। एक कृष्ण की अत्यंत सुंदरता है, लेकिन सिर्फ एक हिंदू हो जाना समझौता है। किसी से भी प्रेरित मत हो, क्योंकि प्रेरणा से तुम सिर्फ एक अनुयायी बनोगे, साधक नहीं। लेकिन अगर तुम अनुयायी बने, एक अनुकरणकर्ता बने, तो तुम अपने अस्तित्व की सभी शांति खो दोगे, क्योंकि तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो और जो तुम कभी नहीं बन सकोगे। तुम कभी भी किसी और के रूप में सफल नहीं हो सकते, इसे तुम पीड़ा और भ्रम में रहोगे और तुम विभाजित रहोगे, तुम स्किज़ोफ्रेनिक रहोगे। तुम्हारे भीतर एक स्प्लिट आ जाएगा, एक पागलपन की अवस्था, एक नरक की स्थिति बन जाएगी तुम्हारे लिए। एक असली साधक खुद होने में लगेगा, वो खुद का फूल खिलाएगा, वो इंस्पायर्ड नहीं एस्पायर्ड होगा, वो अपने बीच के ऊपर काम करेगा। तुम्हें अपने व्यक्तित्व पर काम करना है, यूनिकनेस सीखनी है, अनुकरण नहीं। प्रणाम।